September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Hello friends, क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। अक्सर ये बात पूछी जाती है जब हम लोग किसी को दवाई रेकमेंड करते हैं, किसी को कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, तो सबसे पहला ये सवाल आता है, क्या मेरी डायबिटीज ठीक हो सकती है? क्या ये डायबिटीज जड़ से जा सकती है क्या? तो फ्रेंड, इसका ही जवाब देने के लिए आज का मेरा ये वीडियो। मैं मुंबई से डॉक्टर आनंद वाजपेयी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डायबिटीज, क्योंकि आज हिंदुस्तान डायबिटीज कैपिटल बन चुका है और जितने लोगों को डायबिटीज है उतने ही लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हैं डायबिटीज होने की कगार में, राइट? तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा क्या डायबिटीज, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि यार डायबिटीज एक बार आपके शरीर में प्रवेश कर जाए वो ठीक नहीं हो सकती। आपने देखा होगा जितने लोग डायबिटीज के दवा खा रहे हैं मरते दम तक उनको दवा खाना है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक वही है कि ऐसा क्यों है कि डायबिटीज ठीक नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड, इसलिए है क्योंकि आप जो इलाज कर रहे हो, आप शुगर की गोली खा रहे हो, आप इंसुलिन लगा रहे हो, वो डायबिटीज का इलाज हो ही नहीं रहा है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। डायबिटीज कोई भी डिजीज कैटेगरी में नहीं आती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। यानी कि डायबिटीज होने के पीछे आप जब पैदा हुए थे तो डायबिटीज लेकर पैदा नहीं हुए थे, है ना? आप जब पैदा हुए तो कैंसर लेकर पैदा नहीं हुए थे। यू वर बॉर्न हेल्दी। आज हम सब एक स्वस्थ बॉडी के रूप में इस धरती पर आए थे, लेकिन हमारी गलत जीवन शैली, जिसको हम कहते हैं रॉन्ग लाइफस्टाइल, इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। जब हमारी लाइफस्टाइल रिवर्स होने लगी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने लगी, तो हमारे शरीर में कुछ बदलाव आने लगे जिसके कारणवश आपकी बॉडी में जो पैनक्रियाज होता है वहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, नतीजा आपकी शुगर अप हो जाती है। ये है हमारे डायबिटीज का मेन ऑर्डर कि डायबिटीज आखिर होती कैसे है। तो डायबिटीज होने के पीछे देयर आर सर्टेन रीजंस, बहुत सारे कारण होते हैं डायबिटीज होने के पीछे। अच्छा, नंबर वन कारण होता है स्ट्रेस। कई बार लोगों ने सुना हुआ है कि पहले के जमाने में अगर आपके मम्मी डैडी को डायबिटीज था तो आपको होता था, आज ऐसा नहीं है। आज स्ट्रेस नंबर वन किलर डिजीज, स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी, डिप्रेशन, कई सारे स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव केमिकल्स या हम जिसको कहते हैं टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, इन टर्न पैनक्रियाज पे अटैक करते हैं, पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोडक्शन कम कर देता है और नतीजा हमारी शुगर बढ़ जाती है। मगर आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, हम इलाज की जब बारी करते हैं, इलाज की बात करते हैं कि मैं तो पिछले 10 साल से डायबिटीज की दवा खा रहा हूं, डॉक्टर ने मुझे पिछले 5 साल से डायबिटीज की दवा दी है, मैं इंसुलिन ले रहा हूं, तो उन सब से मेरा एक सवाल, आप डायबिटीज की दवा खा रहे हो, आप पैनक्रियास की दवा खा रहे हो, आप कैंसर की दवा खा रहे हो, लेकिन डायबिटीज की दवा खासकर जो लोग खाते हैं उनसे मेरा एक ही सवाल है, ये डायबिटीज की गोली खाने के बावजूद आपकी आंखें खराब कैसे हो रही है? आप डायबिटीज की गोली खा रहे हो फिर भी आपकी किडनी कैसे वीक हो रही है, आपकी लिवर कैसे वीक हो रही है, आपके नसों में तनाव कैसे महसूस हो रहा है, आपके हाथ पैर में झंझनाहट कैसे आ रही है, आपका सेक्सुअल सिस्टम जीरो कैसे हो रहा है? फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा दवा लेने के बावजूद भी कहीं से भी आपकी डायबिटीज कम नहीं हो रही है, बल्कि आपकी बॉडी में नुकसान और कर रही है। आप मेरी बात से एग्री करोगे, जितने लोगों ने लोग डायबिटीज की दवा खाते हैं कहीं ना कहीं उनकी आंखें खराब हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दवा खा रहे हो फिर आपकी आंख कैसे खराब हो गई है? यानी कि डायबिटीज आप बिल्कुल भी उसकी जो वजह है उसकी वजह पे आप लोग काम नहीं कर रहे हो। आपने सिर्फ आउटकम देखा और आउटकम के लिए आप गोली खा रहे हो, आप अपना शुगर बैलेंस रख रहे हो, मगर ये शुगर बढ़ी क्यों? शुगर बढ़ने के पीछे इंसुलिन प्रोडक्शन कम हुआ था,
इंसुलिन प्रोडक्शन क्यों कम हुआ था? क्योंकि आपके नेगेटिव केमिकल्स या हम जिसको कहते हैं टॉक्सिन लेवल या फ्री रेडिकल्स, ये बॉडी में बढ़ गए थे। वो क्यों बढ़े थे? उसका रिस्पॉन्सिबल था समवेयर स्ट्रेस, यानी कि लाइफस्टाइल की गड़बड़ी, गलत खान पान, फिजिकल आप फिट नहीं हो, हर छोटी छोटी चीज के लिए बिल्कुल कसरत नहीं करते हो, बिल्कुल अपने बॉडी में हलचल नहीं करते हो, छोटी छोटी बात, छोटे छोटे कामों में बिल्कुल पसीना नहीं निकालना, ये आपकी जीवन शैली में आ चुका है, जिसको हम कहते हैं सिडेंटरी लाइफस्टाइल, राइट? कारणवश नतीजा डायबिटीज। तो फ्रेंड्स, अब उस सवाल का जवाब, क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है? तो इसका आंसर है, हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर आपकी लाइफस्टाइल को प्रॉपर ऑर्डर में कर दिया जाए और जो आपका खान पान है, जो चीज रिस्पॉन्सिबल है आपके डायबिटीज होने में, अगर आपको उससे उस पर आपने कंट्रोल पा लिया, तो डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड। ये वर्ड आप लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग याद रखना ये वर्ड, आपको जब बोला डायबिटीज, क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है? यस, डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड, इट्स अ टोटली रिवर्सिबल डिजीज, लेकिन साथ में आपको आपकी लाइफस्टाइल को भी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण था गलत लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल को सही करना पड़ेगा, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, और रहा सवाल दवाई। फ्रेंड्स, दवाई, आप जो दवाई खा रहे हो, मेरा एक सवाल, कई लोग मुझे पूछते सर होम्योपैथी दवाई तो बहुत स्लो काम करती है, आयुर्वेदिक दवाई तो बहुत स्लो काम करती है, एलोपैथी बहुत फास्ट काम करती है। मेरा एक सवाल उन लोगों से, आयुर्वेदिक डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर आपको कहेगा डायबिटीज के लिए 2 या 3 साल दवा खाइए, लेकिन एलोपैथी डॉक्टर आपको हमेशा बोलेगा ये दवा आपको मरते दम तक खानी है। तो सवाल ये है कि स्लो कौन सी पैथी हुई, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक? एलोपैथी तो सिर्फ आपकी शुगर कंट्रोल में रख रही है, किसी भी प्रकार से अंदर कोई रिपेयरिंग नहीं कर रही है पैनक्रियास को, यानी कि अगर आपने 10 दिन डायबिटीज की गोली नहीं खाई किसी भी एलोपैथी को, सडनली आपका शुगर जंप मार जाएगा, आपका शुगर बढ़ जाएगा, यानी कि उसने केवल शुगर को कंट्रोल करके रखा हुआ, जिसको हम कहते हैं सप्रेशन। लेकिन होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाइयां जब आप खाते हो, डॉक्टर्स आपको कहते हैं 2 या 3 साल खाना पड़ेगा, उस वक्त हम कहते हैं बहुत स्लो काम करता है। तो आप डिसाइड करिए स्लो क्या है, मरते दम तक डायबिटीज की गोली खाना या 2 या 3 साल आयुर्वेदिक या होम्योपैथी का, ये मैं फैसला आप पे छोड़ता हूं। तो फ्रेंड्स, स्लो बिल्कुल नहीं है, ये 2 या 3 साल जो आयुर्वेदिक की दवा को लगता है, क्योंकि वो अंदर से रिपेयरिंग करती है। आपकी जो शुगर जो बढ़ी हुई है, शुगर बढ़ने के पीछे आपके शरीर में इंसुलिन कम हुआ था, तो ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवा इंसुलिन प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रही है, जिसपे एलोपैथिक दवा काम नहीं कर सकती है, राइट? तो रिपेयरिंग मुमकिन है विद प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपकी डायबिटीज ठीक हो सकती है, राइट? तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक, ये मेरा शुगर के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर, कि क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है। तो जी हां, डायबिटीज कैन बी टोटली रिवर्स विद प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रॉपर डाइट मॉडिफिकेशंस, आपका पॉजिटिव फैक्टर स्ट्रेस को आप अगर कंट्रोल कर लेते हो, बहुत हद तक आपकी डायबिटीज टोटली रिवर्स हो सकती है। और जितने लोग जो एलोपैथिक दवा खा रहे हैं, एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या डायबिटीज की दवा खाते खाते आपकी आंखें खराब हो गई हैं, आपकी किडनी खराब हो रही है, आपकी नसें तन रही हैं, तो सोचिएगा जरूर, और उस व्यक्ति से जरूर मिलिएगा जिसने आपको ये वीडियो भेजा है, क्योंकि डायबिटीज का इलाज अगर आपको करना है, तो ये वो एसोसिएट जिसने आपको वीडियो फॉरवर्ड किया है, ये आपको बताएगा राइट गाइडलाइंस कि आयुर्वेदिक के माध्यम से आप कौन सी दवाई ये ले सकते हो, ताकि आपके जो डायबिटीज है ये टोटली रिवर्स हो जाए, राइट? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि डायबिटीज की ये छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको आपके लाइफ में कुछ काम आएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए अपनी टीमों में, क्योंकि आज डायबिटीज हर दूसरे घर में मौजूद है, कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट, तो ये इंफॉर्मेशन हो सकता है किसी की जान बचा सकता है, किसी की डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है, क्योंकि हमारा मिशन है वी मेक पीपल हेल्दी, राइट? प्रिवेंटिव वेलनेस, प्रिवेंशन के क्षेत्र में हम सब काम कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स,
मिलकर इस वीडियो को आप लोग अपने टीमों को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए, अपने चैनल्स पे डालिए, आप फेसबुक पेज को हमारे मेरे चैनल्स को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवा सकते हो, ताकि ऐसी ही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दे के कहीं ना कहीं मैं आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्थ टिप्स के माध्यम से आपके बिजनेस को ग्रो करने में छोटी सी भूमिका अदा कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज मुंबई फ्रॉम मुंबई, डॉक्टर आनंद वाजपेयी साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।